भैया और राम राम। आप उन्हें देख रहे हैं बुंदेली चुगली है मेरे राजेंद्र त्रिवेदी। यह लाइव प्रस्तुति है इबेरा की एसपी ऑफिस से। धामची से जे मताई बहने आई हैं इनके संग, का घटना घटी, का घटनाक्रम है इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी हम लाइव प्रस्तुति के माध्यम से सुनवा रहे कि का बजे है काय के लाने जे आई हैं। भाई कहाँ से आई? धामची से। काय बजे के लाने आई थे? काय कहाँ आई? काय के लाने की विषय में? मैंने कालू घा मार रहे थे। अच्छा, काय को दे रहे? हमने कालू घा बचाए। हाँ, वे लोग आए। हाँ, इन्हें कालू घा मार रहे थे, सो हम लोगों ने खमाने लगे। हाँ, हम लोग अपने पास अपनी अपनी जगह का पता नहीं, हमारे घर कोई है ही नहीं यहाँ। हाँ, ये बंदूक के चला रहे। हाँ, हमारे बेटी धमकी दिखा रहे। अच्छा, जान से मारने तुम्हारे भाई क्या मारने, तुम्हारे लड़कन का जान से मारने है, वो मारू ही है। अच्छा, तो मारपीट आप लोगन के संगे भी करी? हाँ, के संगे भी करी, फायरिंग करी सब कड़वा। अच्छा, पहले मारपीट की के संगे भाई? सबसे पहले तुम बताओ कैसे काम हो? सबसे पहले हम खड़े थे। हाँ, सो फिर बालू के लाने मना करी? बालू के लाने मना करी हमने। हाँ, पहले दूर से देखने गए, सबने बालू के लाने मना करी। सुबह खेत के नीचे से बालू मत निकालो। हाँ, तो बोले तू जा निकल जा, हट जा। अच्छा, तो बालू निकालूंगा। हाँ, तो मैं उनके पास गया, मेरा गला पकड़ दिया। अच्छा, फिर सब लोग आ गए, मम्मी के बुआ लोग, चाची, फिर इन लोग ने बचा लिया। हम मम्मी घर आ गए, फिर लोग वहाँ पर बने रहे। फिर हम आए तो हमने अपने लड़का है बचाओ के, हमारे लड़का कहे जान से मार दे, हमारी तुम कगार को दे रहे। हाँ, तो बोले नहीं हम जान से मार दे, तुम तो हम की मार दो तो जान से मारने सीधा फायरिंग करने लगे। वो लाठी चलाई, केवल लाठी चलाए, कछु बंदूके चलाए, बंदूके वो लाठी चलाई, केवल सबका मार पीट एक कही। आप लोगों ने रिपोर्ट करी कहाँ से? रिपोर्ट करी 100 नंबर। आप फोन 7 बजे से 11 बजे ने लगाओ। 100 नंबर ने 100 नंबर भी नहीं आई। अच्छा, 100 नंबर नहीं आई। हाँ, फिर 12 बजे थाने ही आए, थाने वाले ने अपनी मन की रिपोर्ट लिखी, हमारे मन की रिपोर्ट भी नहीं लिखी। अच्छा, न हमारे बच्चा की रिपोर्ट लिखी, बच्चा को गलो दबाओ मगर नहीं याद होने। अच्छा, रिपोर्ट नहीं लिखी? रिपोर्ट नहीं लिखी, तीन आदमी की, उनके मन की रिपोर्ट लिखी। अच्छा, और मन की लिखी दुबे जी। हाँ, और हमारे मन को कुछ नहीं लिखो, वो कहता ठीक है। दुबे जी ने अपने मन की रिपोर्ट लिखी? आप लोगों ने कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी? हाँ, हमारे मन से नहीं लिखा, बोले नहीं तीन आदमी लिखो आप। तो भैया इनको जो भी आरोप है थाना सिविल लाइन ओरछा रोड, माफ करियो भैया, ओरछा रोड लगे थे धामची को, तो इनको जो भी स्पष्ट आरोप है के मुंशी जी हो या दरोगा जी, जो भी हो या बस्ती जी को है, दुबे जी, कि दुबे जी ने बार रिपोर्ट नहीं लिखी है, इनको ऐसो कहो ऐसो आरोप है कि जो हम लिखवाबो चाहते अपराधी के लाने, बार रिपोर्ट नहीं लिखी है। अच्छा, उन्हें की तरफ से रिपोर्ट पुलिस आ रही, हमारे स्वास्थ्य फोन लगाए पल पे पल, सुन नहीं रहा। उल्टी हमने अपने अपने अपनी जगह में हो बुलाओ करी, उल्टी उन्हें की जगह में वाई पे बोली होती आ जाओ, उनको तो मिलो, बुलाओ सो नंबर जाओ, तो जान से मारवाए की कोशिश रखे थे भी कि जान से मारने बुलाए, सो नंबर में कब नहीं बुलाए, हमारे घर नहीं पुलिस आई, पुलिस सुन नहीं रही आप, हमारे पुलिस नहीं रही। तो आज ये एसपी साहब लोग आए? हाँ, आज एसपी साहब लोग आए। अब क्या उम्मीद है से हमें न्याय मिले? न्याय मिले फिर कोनो धमकी हम की गई का उन लोगों की तरफ से, फिर कोनो बार जाए तो गई का ही के मार पीट के बाद मैं कह रहे थे बालू में हम गाड़ रहे हैं, जान से मार भी हम किसी की जाती है, जान से मार, जान से मार की धमकी दे रहे हैं, और इसे न्याय चाहे कि एफसी साहब इसको फैसला कह दे, मारपीट बहुत तेज होगी हमारे के साथ। अच्छा, तो भाई मारपीट देखा तो भाई लगो है निशान है मारपीट को, वो दिखा दो जो है भैया, जो देखने वाली बात है, गौर से देखियो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपका दिखवा रहे हैं कि कितनी बुरी मारपीट करी गई है। ये निशान आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि इनके जो है दाहिने हाथ है, जो बहुत बुरी तरीका से मारपीट करी गई। अब जो नहीं पता जो तो ऐसो कि ये दिखा सकती है तो ये दिखा रही है। अब इनकी पीठ में कितनी चोट है या कहाँ चोट आई, पेट में आई, कहाँ चोट आई, कैसे जब चोट देख के अंदाजा लगाओ जा सकता है कि जब इतने इतनी बुरी चोट है तो क्या पता कि इनके शरीर में कहाँ चोट कितनी है, जो देखो जा सकता है। लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम देखवा रहे हैं आप लोगों ने कहा कि देखो इनकी चोटें देखो। जो भाई नाम का है आपको? सुनीता। सुनीता, आपको नाम? हमारा सुमन। तो जे है भैया सुनीता, सुनीता और सुमन, ये दो ही जने सामने ठाणी है, देखो जे है सुमन, जे इनके निशान हम आपका दिखवा रहे हैं, ये देखो इनको हाथ कितनी बुरी तरह से घायल घायल बहु है, जो
जे है सुनीता जी, इन्हें भी देखो जा सकत ये देखो इनको भी हाथ भैया जे है इनकी उम्र देख के अंदाजा लगाओ जा सकत कि जब इन्हें भी नहीं छोड़ो जे है देखो हाँ हाँ हाथ में सूजन है इनके हाथ में सूजन है जे है भैया देखो तो भैया क्या है मानवीयता क्या है देखो क्या है गुंडागर्दी को जो खुलो उदाहरण के आपकी उम्र का है 60-70 साल की बूढ़ी बेचारी मताई के संग कितनी अमानवीयता दिखाई गई कितनो बुरो मारपीट करोगे इनके संग सुनीता के संग भी सुमन के संग भी पुलिस सुन नहीं रही तो क्या स्थिति है भैया गुंडागर्दी की आखिर पुलिस की के दबाव में काम कर रही उनकी सुन रही बिल्कुल एक फोन में आ जा पुलिस टीआई पहुंचे तो दुबे जी पहुंचा अच्छा एक फोन में पहुंचे पूरा फोन भी नहीं लगा एक फोन में लगा पुलिस आ जा हम 10 बार लगाए तो भी नहीं आई हम अपने फोन से लगा 7 बजे से 11 बजे तक फोन लगाओ पुलिस ने कोई सुनाई नहीं की उल्टी उन्हीं की जगह में वॉइस पे तो बुला रही थाने आ जब 11 बजे तक सुनाई नहीं करी अपने मन की थाने आए लेकिन थाने में भी थाने भाई जो ना काहे को जी ने अपने मन की रिपोर्ट कच्ची रिपोर्ट लिखी है एनसीआर रिपोर्ट लिखी है उनकी एफआईआर काटी हम एनसीआर काटी कोई सुनाई अपने मन की रिपोर्ट लिखी मेडिकल मेडिकल के लाने कहूं कछु नहीं इन्हें कोई मेडिकल गए थे जो है भैया पुलिस के ऊपर भी सीधे इनको इल्जाम है के वो है कि पुलिस ने हमारे कैसे रिपोर्ट दर्ज नहीं करी जबकि मारपीट गंभीर है तीनों जनन की हमने मारपीट दिखाई है जो दिखाओ है 100 नंबर का फोन लगाओ तो नहीं पहुंचा 3 घंटा थाना में भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो जो उम्मीद लेके जोरे आई है आज एसपी सचिन शर्मा जी के पास कि हमें न्याय मिले जो हमारे संगे जो अमानवीयता भई है और जो हमारे संगे मारपीट भई है तो अपराधियों का सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए उन्हें पकड़ो जाए और उन्हें जेल भेजो जाए ऐसा इनको कहवो है जब मांग लेके जी और इनको परिवार आज डरो भाव है आदमी 4 आदमी घर में है उनके 50 आदमी परिवार है हम आप कोई नहीं है हम बस इतनी हमारे पति खत्म हो गए एक भाई हमारे दो भाई हैं सो बे भाग गए अच्छा और ब्योरे 50-60 देने 50-60 आदमी पुलिस जाके देख ले ना घर जाके देख ले की घर कितने आदमी है हमारी जमीन पटा रहे जमीन खोद रहे पट्टी बन जमीन में ट्रैक्टर चला रहे करी उनके नाम पतो है उनके नाम पतो है क्या नाम हो उनको मंगन यादव अच्छा गणेश शंकर यादव बाबू यादव अच्छा जय यादव अच्छा और टैटू कलेक्टर अच्छा बलाई अच्छा जगत भूरे अच्छा बिजबिहारी भी सब जमीन को मार जान से मार दे भी जमीन घर रोके हैं बजरू घर रोको तो जान से मार दे गोली चला दे और मगन ने गोली चलाई जो है भैया इनको अच्छा गोली किसने चलाई मगन ने गोली चलाई हवाई फायर करे 10-12 हवाई फायर करे मगन ने 10-12 जो है भैया जैसो की बता रहे हैं की 10-12 हवाई फायर करे गए इतनी बुरी मारपीट करी गई इसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई अभी तक नहीं करी इन्हें जान से मार भी जी धमकी दी जा रही अब जब परेशान होकर आगे तय आई है देश में वाली बात है कि मैं शर्मा जी का एक्शन ले रहे हैं और रिपोर्ट लिखा थाने वाला कोई सुन नहीं रहा अच्छा तो अब जा उम्मीद जरूर भैया हम कर भी लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की या एसपी ऑफिस से जा उम्मीद जरूर हम कर भी कि इन्हें न्याय मिले और जैसे जी आई है शर्मा जी के साथ अब तो हम लोग अपने भतीजे हमारे का भी गए जो है भैया इनको कह वो कि हमें न्याय चाहिए न्याय के लाने देते आई है तो यही उम्मीद है बुंदेली चुगली जान से मार भी सकते हैं ऐसी भी उनकी सलाह है कि जान से मार भी की पुलिस वाहन के सामने धमकी दी उन्होंने कहा जान से भी मार दे हम तुम लोग पुलिस वाहन के सामने देख लें देख लेंगे हम तुम्हें गणेश शंकर ने थाने में कही तो हम तुम्हें देख लेंगे पुलिस वाहन चुप रहे कुछ नहीं बोले जो है भैया इसमें जब बात निश्चित है जाहिर है कि पुलिस की मिली भगत है पुलिस की मिली भगत से जो सब कछु हो रहा जब इतनी बड़ी वारदात भाई जो थाने में जान से मार गए भाई बेस उनकी सुन नहीं रहे और जी के घर जिसे कछु नहीं भाई 50 आदमी के उनको कछु नहीं है तक पे सुन रहे तो भैया यही उम्मीद में कि और अमित यादव की रिपोर्ट करी सब पुलिस ने रिपोर्ट ली ना बालक है साहेब ऐसा है और वे जमीन में गाड़ देते मार देते तब पर क्वेश्चन तो जब पुलिस नहीं सुन रही तो अच्छा क्या कह रहे थे ना बालक नाबालिग उसकी रिपोर्ट नहीं लिखने अच्छा आदमी आज उड़ गए छोड़ वाला उन्हें तो बच गए भाग दौड़ गए
अब आप और का चाह तुम यार चार दिन में आए बे ओ जो ने हमारे संग है कते कही कि को ने पर नाम जो है भैया जी न्याय की मांग लेके इतने आई हैं सब जने और इनको कहबो यही है कि जो नाबालिग लड़का है अगर कछु घटना घट जाती कोनो बात हो जाती समय पे न पहुंचती तो आगे का हो तो इसे कलेक्टर साहब यही विनती कर भी आए हम कि हमारे आए बच्चा है कलेक्टर साहब हम जेल विनती चाहत तो हम आने आ कर हमारे भीतर बखी गेल वहां और सांता बजाओ तुम्हारी अच्छा हाँ अबे भी यही बच्चा है नहीं है जो बार बार हमारे दो बार बार कर अच्छा तो जो है भैया मामला गंभीर है इसमें पुलिस का तत्परता से कार्रवाई करने पर है अगर ये ऐसी हरकतें कर रहे कि लड़का बिटिया है जाके ये हरकतें कर रहे तो भैया पुलिस का जरूर मामला संज्ञान में लो चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो चाहिए ताकि विशलाखंड के बीच हो जो चैन की नींद सो सके परिवार बच सके आगे को अप्रिय घटना ना हो इसे जे आई है एसपी साहब कहते बुंदेली चुगली के जो उम्मीद रहे कि भैया इन्हें न्याय मिले और अगर न्याय ना मिले तो बुंदेली चुगली इनकी खबर फिर से चला है बुंदेली चुगली फिर से इनको मुद्दा उठा है बुंदेली चुगली इनकी आवाज बने तो जब खबर हम भैया तक समाप्त कर रहे फिर कोनू खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी आवेदन आवेदन देख लेंगे आवेदन देख ले आवेदन को तो भैया यही उम्मीद के संगे हम जब खबर समाप्त कर रहे फिर कोनू खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी तब तक के लाने भैया और सभी जनन का हमारी राम राम।